हेलो मित्रों, गुड आफ्टरनून। आज मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ सजना की पत्तियों और लकड़ियों का सूप। इसको कैसे बनाते हैं, उससे पहले हम जानेंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं। मित्रों, सजना या सेजबान या मोरिंगा प्रोटीन से भरपूर होता है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है और इसमें कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, मिनरल्स, दुनिया भर के लवण पाए जाते हैं जो शायद किसी और औषधि में या पेड़ पौधों में वनस्पतियों में पाए जाते हैं। तो जिनको HB की समस्या है, थायराइड की समस्या है, प्रोटीन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, वो ये सूप कम से कम सप्ते में एक बार तो जरूर पिए, फिर देखिए चमत्कार क्या होता है। ख़ास तौर पर लेडीजों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि लेडीज में HB की समस्या बहुत जल्दी आ जाती है, बहुत जल्दी उनको अनीमिया बन जाता है। खून की कमी लो, कहीं कुछ लो, कहीं कुछ लो, ये सब समस्याओं की जड़ ब्लड ही होता है। प्रोटीन मीन्स आयरन की कमी हुई नहीं कि समस्याएं शुरू हो गई। तो इन सब की भरपाई करने के लिए जो मैं बता रहा हूं आपको, वो है सजना की फली, जिनको ड्रम स्टिक भी बोलते हैं। लेकिन आज हमारे पास ड्रम स्टिक नहीं है, ड्रम स्टिक की पत्तियां हैं और उनकी पुट्स है, यानी लकड़ी है। क्योंकि ड्रम स्टिक का लगभग सीजन जा चुका है और मैं गया था तोड़ने के लिए, तो वापस सारी ड्रम स्टिक जो फली थी वो सूख चुकी थी, तो मैं पत्तियाँ और डंठल ही उनके तोड़ के ले आया हूँ। तो सबसे पहले मैं एक बर्तन ले रहा हूँ बड़ा सा, उसमें से ये पत्तियाँ हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश हैं, अभी मैं तोड़ के लाया हूँ उनको। इनको मैंने निकाल करके साफ करके और धो लिया है। इसकी मात्रा की कोई मायने नहीं रखता, आप जितना भी चाहो उतना बना सकते हो, लेकिन मैंने ठीक से अपनी मात्रा ली है, सफिशियंट मात्रा ली है। तो ये सारा सारा लिया हुआ है और आप देख सकते हो मैंने करी पत्ता लिया हुआ है, लगभग ठीक ठाक है क्वांटिटी है, आप जितना चाहे उतना डाल सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। करी पत्ता इसमें लिया हुआ है उसके बाद दो या तीन आड़ी प्याज की ली हुई हैं, मीडियम भी हों छोटी भी हैं जैसे भी हों। टमाटर जैसा चाहो डाल सकते हैं, एक भी डाल सकते हो, एक से ज़्यादा भी डाल सकते हो। मिर्च है वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना कड़वा खा सकते हैं। मैंने 4-5 ली हुई है, आप इनको 4-5 डाल सकते हैं। लहसुन उसके अकॉर्डिंग ही, लहसुन जितना डालना चाहो आप उसी अकॉर्डिंग डाल सकते हो, लेकिन कोई मैटर नहीं करता कि ये ज़्यादा है या कम है, क्योंकि मेन है सजना की पत्तियाँ और उसकी लकड़ी। तो ये आइटम है, ये एडिशनल है, तो कितना डालेंगे कितना डालेंगे इसका कोई मैटर नहीं करता, आप जैसे डालना चाहें वैसे आप डाल सकते हैं। तो आप इसको प्याज को, ज़रूरी नहीं है कि आप छोटा काटें बड़ा काटें, आप 4 पीस करके आप छोटा छोटा इस तरीके से इसको काट सकते हैं। बारीक काटना चाहें आप बारीक काट सकते हैं, बड़ा काटना चाहें बड़ा काट सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा काट सकते हैं। टमाटर है, टमाटर भी आप जैसा काटना चाहें काट सकते हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं, क्योंकि हमें इसका जूस ही निकालना है, वो गरम करके, गरम करके जब हम उसमें डालेंगे तो वो अपने आप ही सारा सारा गल जाएगा। लहसुन है, काट देंगे तो ठीक है, ऐसे डाल देंगे तो भी ठीक है, कोई मैटर नहीं करता कि आप कैसे क्या डालेंगे। मिर्च है,
मिर्च है, भी इसे फाड़ के डाल देंगे, काट के डाल देंगे तो भी ठीक, साबुत डाल देंगे तो भी ठीक है। ये हमारी मिर्च, प्याज, सब पड़ चुका है लगभग। ये पड़ गया है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। हाँ, मसाले मित्रों, हल्दी डालेंगे, नमक बहुत जरूरी है, नमक आप स्वाद अनुसार जितना डाल सकते हैं उतना डालें। धनिया भी आप डाल सकते हैं, 1 चम्मच धनिया डाल दें, आधा चम्मच हल्दी डाल दें, जीरा या गरम मसाला है वो भी डाल दें, जो भी आपके पास मसाले हैं आप मसाले स्वादानुसार डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आप साबुत मसाला डालने चाहें तो भी आप साबुत मसाला डाल सकते हैं। थोड़ी सी मेथी है, मेथी आप 1 चुटकी या कह सकते हैं कि आधा चम्मच से कम डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो ये कड़वा हो जाएगा। बड़ी इलायची, मीडियम साइज की, आप इसको फोड़ के डाल देंगे तो और अच्छा रहेगा। एक डाल दें या दो भी डाल सकते हैं। उसके बाद दालचीनी डाल सकते हैं। मसाले, ये सबसे महंगा मसाला होता है, तो अगर ज़रूरी नहीं है, अगर है तो आपके घर में डालिए, नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो हमने लिया था डोमेस्टिक की पत्तियाँ और लकड़ियाँ, वो सारी इसमें मिक्स कर देंगे। लकड़ियों को मैंने ऐसे काट दिया था इस तरीके से। ये डेंटर भी उतने ही काम के हैं जितने काम की पत्तियां होती हैं। सजना के पेड़ का हर चीज खाई जा सकती है, चाहे वो पत्ते हों, चाहे डंडी हो, चाहे उसकी फली हो, चाहे उसके फूल हो, सब चीज खाई जा सकती है। देख कितना बढ़िया बन गया इसका पत्ता। अब इसको हम पानी डाल देंगे। पानी आपके घर में कितना है, कितने लोग हैं, अगर 1 गिलास के अनुसार आप पीते हैं, सपोज मैं 5 लोगों, 5 लोग अगर हम गिलास चाहिए तो हमें ये पानी 7 गिलास डालना होगा। तो हमने मात्रा पहले रखा हुआ है, हम 7 गिलास पानी इसमें डाल रहे हैं। 7 गिलास पानी हमारा हो चुका है और इसको हम उबलने के लिए रख देंगे। मित्रों, ये बन के तैयार हो चुका है, जो मैंने अभी कुछ देर पहले रखा था उबालने के लिए। उबलने के बाद इसका टेक्सचर इस टाइप का आ चुका है, दिखने में थोड़ा ग्रीनरी है, और टेस्ट देखो इसका कैसा हो, वो तो पीने पर ही पता लगेगा। कुछ लोगों को अच्छा भी लग सकता है, कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, परंतु हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छी टॉनिक है, जिसका HB, लीवर की समस्या, थायराइड की समस्या, डायबिटीज अनकंट्रोल रहता है,
प्रोटीन की कमी और बहुत सारे मिनरल्स की कमी होती है, उनकी पूरे भरपाई करता है। आप एक बार ट्राई करें और इन्जॉय करें। मैं चाहता हूँ कि कम से कम ये सप्ताह में लोग एक बार तो उसको पिए। ये देखिए क्या टेक्सचर आ रहा है। इतना भी बुरा नहीं होगा ये जितना लोग समझते हैं। जहाँ से मैं अभी लेके आया हूँ वहाँ पर मैंने पेड़ में ड्रमस्टिक की फली इतनी सारी देखी हैं, वो सारी की सारी सूख गई, लेकिन किसी ने भी उनको ये ध्यान नहीं दिया कि ये कितनी बड़ी औषधि है, कितनी अच्छी औषधि है। किसी ने भी इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया। तो ये हमारे दुर्भाग्य है कि हमें आयुर्वेद के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी लोग ट्राई करें। जिसको बीमारी नहीं है, जिसको समस्या नहीं है, वो भी पी सकते हैं। ख़ासतौर पर ये लेडीज़ों के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उनमें हमेशा महीने में कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, तो उनके लिए और अच्छा है। तो आशा है ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी होगी। उम्मीद है आप फॉरवर्ड करेंगे और सभी रोग मुक्त होंगे, तो स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद मित्रों।